त्यांच्याबरोबर उद्धवची तुमची युती आहे. भगवान श्री कृष्णाचा अध्याय सुद्धा ज्यांना माहित नाही ते तुमचे सगळे सोबती आहेत. कपिल सिब्बल कोर्टात म्हणाले, काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल म्हणाले, भगवान श्रीराम जन्मलेच नाही ती कल्पना आहे. राम सेतू हा बनलाच नाही ही कल्पना आहे. आणि डॉक्टर मनमोहन सिंग काँग्रेसचे नेते म्हणाले, मोदीजी ज्या वेळेला म्हणतात सबका साथ सबका विकास, पण उद्धवजी तुम्ही ज्यांच्या बरोबर गेलात त्या काँग्रेसचे नेते मनमोहन सिंग म्हणाले, इस देश के नैसर्गिक संपत्ती पर अगर किसका पहले पहले अधिकार है तो मुसलमानों का ही है. आणि म्हणून ना देशभक्तीचा विचार ना हिंदू हिताचा विचार त्या काँग्रेसच्या मांडीला मांडीला उद्धवजी तुम्ही मोदीजींचा पराभव करायला निघालात. शक्य नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस 1992 दंग्यामध्ये किरीटभाई आपण सगळे त्या ठिकाणी जनतेला मदत करायला फिरत होतो. आणि त्याच काळामध्ये अजून एक बॉम्बस्फोट झाला असा जावई शोध केवळ हिंदू मुसलमान दाखवण्यासाठी जो झालाच नव्हता तो कल्पोकल्पित बॉम्बस्फोट दाखवण्याचं काम ज्या शरद पवारांनी केलं उद्धवजी त्यांचीच चाकरी करतात. हिंदू आतंकवाद, अरे हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता. हिंदू के सिवा और हिंदू के साथ देश प्रेम ही हो सकता है. ही भावना आमची आहे. त्या हिंदूंना आतंकवादी म्हणण्याचं काम ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलं त्या राष्ट्रवादी बरोबर युती उद्धवजी तुमची आहे. मग दसऱ्यात हिंदू हिताची गोष्ट होईलच कशी? तुमची युती उद्धवजी द्रमुक बरोबर आहे. ते डीएमके काय? तर त्यांचे मंत्री उदयनिधी स्टालिन म्हणतात, सनातन धर्म हा डेंग्यू आणि मलेरिया सारखा आहे, मिटवून टाका. ते कमी पडलं म्हणून खासदार हे राजा म्हणतात, अरे केवळ सनातन धर्म या मूळ मातीतला आहे तो डेंग्यू आणि मलेरिया नाही, तो त्याच्याही पुढे गेलाय आणि त्याची तुलना कुष्ठरोग आणि एचआयव्हीशी करायला लागेल. हा तुमचा आमचा सनातन धर्म आहे. मोदी के आह्वान पर देश भर में 15 अगस्त के बाद मेरा माटी मेरा देश अभियान चला. देश के हर गांव से, शहर के हर मोहल्ले से, महापुरुषों के घर से, शहीदों के घर से मिट्टी लाई गई, मिट्टी का पूजन किया गया. साथ ही सेना के अधिकारियों का, शहीदों के परिजनों का, पुलिस के परिवार का भी वंदन किया गया. इसके साथ ही देश भर में पेड़ लगाने का व्यापक कार्यक्रम हुआ. जिस गांव में या जिस क्षेत्र में शहादत हुई हो उस सैनिक के नाम से वहां के अमृत तालाब में वहां पर पट्टिका लगाई गई उसके नाम से. शासन प्रशासन से लेकर सामान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. मुंबई के लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के घर से लेकर स्वातंत्र वीर सावरकर जी के घर की मिट्टी, मुंबई के ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांति मैदान गिरगांव चौपाटी से लेकर छत्रपति शिवाजी पार्क की मिट्टी, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पर ये अभियान चलाया गया. आप देख रहे हैं मेरे पीछे 3000 से अधिक कलश पूजन कर यहाँ पर आए हैं. कल यह कलश लेकर 1000 युवाओं की टीम मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगी. कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा. यह मिट्टी, पूरे देश की मिट्टी शहीद स्मारक में अमृत वाटिका बनने वाली है. आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो हम उत्सव मना रहे थे उसके समापन का यह पर्व है. मैं आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए आपका अभिवादन करता हूँ. सर कहीं ना कहीं अगर बात करें देश की मिट्टी की, तो देश की मिट्टी जो है लोग बदनाम करने में काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो उसे किस तरह से देखते हैं? ये उन लोगों के मुंह पे करारा. ये कार्यक्रम देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है.
देश के लिए अपना न्यौछावर करने वाले सैनिकों का सम्मान हुआ इसमें, और संभवतः ये देश में पहली बार हुआ है जिसमें कि नवयुवक नवयुवतियाँ और देश के सभी नागरिक देश के लिए अपना जीवन दान करने के लिए या सब कुछ करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। संभवतः आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा कार्यक्रम है देश में और इतने बड़े स्तर पे हुआ है जिसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ ना हो सके उसके लिए 100 सही कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर करना है तो उसके लिए एक ही कारण होता है कि उसको करना है। और आज का नवयुवक आगे बढ़ रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो उत्साह से जोश से भरा हुआ है, और ये कार्यक्रम उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है जो कि हर तरह से सराहनीय है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत की मिट्टी को जो है बदनाम करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या इसमें देना चाहिए? उनको कोई मैसेज नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज देश इतना प्रबुद्ध हो चुका है, इतना जग चुका है कि वो विरोध करने वाले वो अपने आप ही चीज़ों को समझेंगे। और ये समझना चाहिए, किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, जो सही है वो सही रहेगा और हरदम सही रहेगा। सर, जो देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हो गए उन्हें किस तरह से याद करते हैं? हम लोग जो शहीद हुए हैं उनको हमारे यूनिट की तरफ से याद करते ही है, और लोग आजकल काफ़ी प्रोग्राम रखते हैं जो उनको याद करके उनके परिवार वाले को काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। उनको बोलते हैं आप डरिए नहीं, हम देशवासी आपके साथ हैं।